No, but seriously, I'm just saying that, you know, क्या हम ये जानते भी हैं कि हम ऑलरेडी टेक्नोलॉजी से कितना बड़ा रिश्ता जोड़ चुके हैं? क्योंकि जो हम अपने फोन पे देख रहे हैं, टेक्निकली इट्स एन एल्गोरिथम. क्योंकि आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाओगे, आप यूट्यूब देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, तो वो आपको वही दिखा रहा है जो आप उससे मांग रहे हो. वो बाकी चीजें दिखाना बंद कर देता है. सो यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विद टेक्नोलॉजी. आई डोंट थिंक यू नो इट येट. सो इन दिस केस, इंस्टेड ऑफ सेइंग टेक्नोलॉजी इन दैट वे, इट वॉज लाइक टेक्नोलॉजी इज कृति सेनन, सो इट्स ऑल्सो वेरी गुड लुकिंग. सो आई जस्ट फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग, और मुझे लगा कि शायद हमारे साथ 10-15 साल में क्या ऐसा हो सकता है, या क्या हमारे बच्चों के साथ होगा, यू नो. तो उस चीज को लेके ये फिल्म बनाई गई है. और अभी आप गाने देख रहे हैं, और अभी आप केमिस्ट्री देख रहे हैं, और आप सोच रहे हैं, यार ऐसी रोबोट कैसे हो सकती है यार. बट दैट्स द होल पॉइंट. द होल पॉइंट इज टू गिव यू समथिंग न्यू. आपको आके एक ओपन माइंड से फिल्म को देखना है. और इसकी जो कहानी है वो प्यार के बारे में भी बात करेगी. वो एक लड़के, एक हिंदुस्तानी लड़के को एक लड़की से क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं, एक हिंदुस्तानी फैमिली को एक लड़की से क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कैसे आजकल हमें कस्टमाइजेशन की आदत हो गई है कि जो हमें चाहिए हमें वो ही चाहिए. हम लोगों को ओपनली नहीं एक्सेप्ट करते, आप जैसे हो आप वैसे हो, यू नो. लेकिन हमें आदत हो गई कि जो हमें चाहिए हमें वही चाहिए, यू नो. चाहे वो हो, चाहे ये हो कि क्या सोसाइटी यहाँ जा सकती है. क्योंकि ऑलरेडी हम आइसोलेट तो हो ही रहे हैं ना. हम अगर अपने दिन में 4 घंटे 5 घंटे अगर फोन पे बिता रहे हैं, 8-9 घंटे तो सोते हैं, फिर नहाते हैं, खाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, 12-13 घंटे तो उसी में निकल जाते हैं. तो जो हमारे पास 8-9 घंटे बचे हैं, उसमें से आधा टाइम तो हम टेक्नोलॉजी को दे ही रहे हैं ऑलरेडी. सो इज इट पॉसिबल दैट दिस कुड बी द फ्यूचर, के लोग ऐसी कोई चीज चाहेंगे जो इतनी पर्सनलाइज्ड हो कि आपका लाइफ पार्टनर भी पर्सनलाइज्ड हो, यू नो. अगर लोग वो चाहेंगे तो शायद उनके लिए रोबोट एक ऑप्शन होगा. और अगर टेक्नोलॉजी इतनी लाइफ लाइक हो सकती है, जैसे आज की तारीख में हम देखते हैं, हम VFX देख रहे हैं, CGI देख रहे हैं, आजकल कई ऐसे वीडियोज हैं जहां पे किसी का फेस बदल के किसी और का फेस प्लेस कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, यू नो. सो वी आर ऑलरेडी वेरी क्लोज, वी आर ऑन द थ्रेशोल्ड. ये हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल. तो ये उसके बारे में है कि अगर ये हो सकता है तो आपका इस पे क्या नजरिया है, वो कैसा एक्सपीरियंस होगा, और वो क्या कहानी होगी. ये खाली एक रोबोट नहीं है, ये एक ऐसी रोबोट है जिससे इनको प्यार हो जाता है और सब कुछ हो जाता है, पर इनको पता नहीं चलता है कि ये रोबोट है. तो ये ह्यूमंस के इतना करीब है लेकिन फिर भी ये ह्यूमन नहीं है. सो वो जो एक थिन लाइन है कि ये बिल्कुल ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, कुछ अलग है, पता नहीं क्या अलग है. दैट इज वॉट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज वॉट यू नो, स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट आई कुड फिगर हाउ टू प्ले इट, दैट वॉज इंटरेस्टिंग फॉर मी. बट मोर देन एनीथिंग एल्स फॉर मी दिस फिल्म, आई लव लव स्टोरीज. मुझे मेरा फेवरेट जॉनर है लव स्टोरीज. मैं इनफैक्ट दिनेश विजन डीनू जो प्रोड्यूसर है उनके पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे एक लव स्टोरी करनी है. मैंने लव स्टोरी नहीं की है, यू नो, एंड आई फील लाइक लव स्टोरीज बनना बहुत कम हो गई हैं. यू नो, फ्रेश, रिफ्रेशिंग, द काइंड ऑफ लव स्टोरीज दैट यू वॉन्ट आर जस्ट वॉच एंड यू नो फील लाइक ऑल मशी एंड ऑल फील कि यार ऐसा प्यार होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट बनना ही बंद हो गई है. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो खत्म हो गए हैं. यू नो, पहले होता था कि गरीब अमीर है, कि या तो रिलीजन अलग है, यू नो, ऑल दोज थिंग्स, गुंडे होते थे, अभी तो वो भी नहीं है. सो देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. एंड व्हेन आई हर्ड दिस, ये स्क्रिप्ट जब मैं सुन रही थी, मैं कुछ भी सोच नहीं रही थी, मैं बस एक फ्रेश स्क्रिप्ट की तरह सुन रही थी. एंड आई जस्ट केप लाफिंग एट मेनी इंस्टेंसेज. एंड देन आई फेल्ट फॉर देम एंड आई वॉज लाइक, यू नो, ये रोबोट है और ये ह्यूमन बींग है और मैं इनके लिए फील कर रही हूं और मैं चाहती हूं कि ये साथ में हो, विच वॉज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग. आई फेल्ट द कॉन्सेप्ट वॉज द USP ऑफ दिस फिल्म. दैट्स वॉट मेक्स तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया रियली रियली यूनिक. एंड एट द हार्ट ऑफ इट, इट इज अ लव स्टोरी एंड इट मेक्स यू लाफ एंड इट टेक्स यू टू द फैमिली एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर लाइक youngsters, you can take your family also during the Valentine's week, you know, and watch it. And that's what I felt was really refreshing. And of course, to get to work with Shahid Kapoor, who I wanted to work with for a very, very long time. 8 saal pehle hamara aise naseeb mein tha ki shayad kaam kare saath mein, aur phir hua nahi. But I always believe in destiny, the right time, the right thing. And as you can see the chemistry, I feel like we really, really do look good together.
जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।